नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं व्यापार यंत्र के बारे में, यानी कि व्यापार से संबंधित यंत्र है ये। इस यंत्र का जो लाभ है वो ये है कि हमारा व्यापार जब भी खराब चलता है, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है, व्यापार चल नहीं पा रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है, तब हमें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। बड़ा ही सिंपल है इसको बनाना। तो ये जो चमत्कारी यंत्र है, इस सीरीज का आपका दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक संकट हरण यंत्र के बारे में भी बताया था, जो आपको मेरे इस वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हो। और इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिलेगा, जिसको भी आप ले सकते हो। वो हर तरह के संकट से निकालने के लिए बहुत लाभदायक है। साथ में ज्योतिष से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जो काफी लाभदायक है और पूरे के पूरे फलित किए हुए हैं, यानी कि फलादेश के ऊपर बने हुए हैं। तो इस यंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। आप जो है वो इस यंत्र को बना सकते हैं। कैसे बनाना है उसकी विधि मैं बताता हूं। आप इस यंत्र को रविवार या गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र में बना सकते हैं। तो पुष्य नक्षत्र का रविवार और गुरुवार का जो संयोग है, ऐसे तो पुष्य नक्षत्र जो है वो जैसे ही चंद्रमा कर्क राशि में जाता है तो पुष्य नक्षत्र आता है, लेकिन उस दिन रविवार और गुरुवार होना चाहिए। तो ऐसा जो संयोग है, ये संयोग आपको इस साल यानी कि 2019 में 17 फरवरी 2019 को बन रहा है। मैं आपको एक कुंडली के सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, चंद्रमा कर्क राशि में है और पुष्य नक्षत्र के 3.34 डिग्री पे है। तो उस दिन रविवार है, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 17 फरवरी को रविवार है। तो आप उस दिन जो है वो इस तरह का यंत्र जो है वो निर्माण कर सकते हैं। इस यंत्र को आप चांदी के पत्रे पे बना सकते हो, तांबे के पत्रे पे बना सकते हो, या फिर जो भोजपत्र होता है उस भोजपत्र के ऊपर भी आप इसे बना सकते हो। भोजपत्र आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देखिए, ये जो भोजपत्र है इस टाइप का होता है। ये आपको किसी भी बुक स्टेशनरी वाली दुकानों पर मिल जाता है, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी आजकल मिलता है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। और इसको भोजपत्र पे बनाने के बाद इसे आप उसी दिन बनाइए, यानी पुष्य नक्षत्र वाले दिन, यानी 17 फरवरी को जो मैंने बताया है उस दिन आप बना लीजिए। और इसको भोजपत्र पे बनाना है सेम ऐसा, ये जो नंबर्स जो है वो लिखने हैं उसके अंदर। और इसको आप बनाइए, केसर जो है उसको आप किसी कटोरी में घोल लीजिए, गाढ़ा केसर थोड़ा सा, और उसके द्वारा आप जो है इसका निर्माण करें। तो इसे आप इस तरह की फोटो फ्रेम में भी लगा सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप पेपर पे भी बना सकते हो। अगर आपको भोजपत्र, तांबे का पत्र या फिर कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप इसको लाल पेन से और सिंपल पेपर, यानी कि कोई पीला पेपर ले लीजिए, उस पेपर पे भी आप इसको बना सकते हो। और बनाने के बाद इसको जो है अपने व्यापार के अंदर, पूजा पाठ वाले कमरे में, और जहाँ पे भी आपकी ऑफिस दुकान जो भी है वहां पे इसको स्थापित करें। और इसको पहले आपको अपने घर के पूजा पाठ वाले कमरे में इसको प्राण प्रतिष्ठित करना है। तो आप इसको अपने मंदिर में, जो जहां पे आपने पूजा घर बना रखा है, वहां पे इसको रखिए। रखने के बाद इसको थोड़ा सा गंगा जल का पानी का छींटा लगाइए, उसके बाद इसको पुष्प चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद कुछ दक्षिणा रखिए और कुछ जो है वो भोजन सामग्री, जैसे कि थोड़ी सी चीनी या फिर गुड़ रख दीजिए। और इसके बाद इसको दीपक दिखाइए, फिर अगरबत्ती करना है। और अगरबत्ती करने के बाद एक बार आप घंटी भी बजाइए, और उसके बाद ये जो मंत्र आपके सामने जो आ रहा है स्क्रीन पे, ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी व्यापार वृद्धि कुरु कुरु क्लीम ह्रीम ओम ओम अष्टलक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 125 बार श्रद्धा पूर्वक आप जो है वो जप करें। जब के लिए आप जो है वो मलगट्टे की माला ले सकते हैं, स्फटिक की माला ले सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष की जो सिंपल माला है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप जब इसका 125 बार इसका जाप कर लेते हो, तो अपने इष्ट देव, कुल देवता और अग्नि देवता, इंद्र देवता, इन सब का स्मरण करके, और इस व्यापार यंत्र को, तो दूसरे दिन आप उसे ले जाके अपने व्यापार में, पूजा घर में स्थापित करें, और या फिर उसको अपने व्यापार की दुकान में या फिर जहां पे भी कारखाना है वहां पे ईशान कोने में इसे आप स्थापित करें। तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। प्रतिदिन आप इसको अगरबत्ती और दीपक जरूर दिखाएं और इसकी पाठ पूजा करते रहें, तो आपको ये यंत्र जो है लाभ दे देगा। इसे आप इस साल 17 फरवरी 2019 को बना सकते हो। बहुत ही अच्छा व्यापार यंत्र है जो आपको बहुत लाभ देगा।
और इसके अलावा भी आप कोई ऐसा दिन चूज कर सकते हो जहां पे रविवार और गुरुवार का संयोग हो, जिसमें पुष्य नक्षत्र आता हो, तो उस दिन भी आप इस यंत्र को पूर्णतया बना सकते हो। तो ये इस साल की जो पहला ऐसा दिन था, तो मैंने आपको 17 फरवरी बताया। इसके अलावा और भी कई सारे दिन होते हैं जिस दिन भी आप इसे बना सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि इस तरह के अच्छे लाभदायी यंत्र जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।